ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अभिनव त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेट। मित्रों, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत हम विभिन्न किस्म की मालाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ मालाएं चमत्कारिक होती हैं, कुछ आयुर्वेदिक गुणों से युक्त होती हैं, कुछ मालाएं औषधीय प्रयोग की होती हैं और कुछ मालाएं केवल साज सज्जा और सजावट के काम में आती हैं। आज एक हम बहुत ही औषधीय और विचित्र किस्म की माला के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको अपामार्ग की माला कहा जाता है। अपामार्ग तंत्र और आयुर्वेद की एक बेहद अहम वनस्पति है। अपामार्ग को ओंगा, चिरचिटा, चिड़चिड़ा और लटजीरा के नाम से जाना जाता है। यह पूरे देश में पाई जाने वाली वनस्पति है। इसके पौधे यत्र तत्र स्वतः ही आते हैं। आमतौर से इस वनस्पति की उम्र 1 वर्ष होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप यह 15 साल तक देखा गया है। अपामार्ग प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, लाल और सफेद। तंत्र और आयुर्वेद में इन दोनों ही प्रकारों के व्यापक प्रयोग मिलते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में इस औषधि के प्रयोग किए जा सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए इसकी जड़ की भस्म नित्य गाय के दूध के साथ सेवन करने से संतान प्राप्त होती है। धन प्राप्ति के लिए सफेद लटजीरे की जड़ अपने पास रखने से धन धान समृद्धि प्राप्त होती है। तिजारी बुखार दूर करने के लिए हर तीसरे दिन आने वाले तिजारी बुखार में इसकी माला धारण करने से लाभ होता है। सम्मोहन प्राप्त करने के लिए इसकी जड़ का तिलक माथे पर लगाने और माला धारण करने से सम्मोहन शक्ति आती है। वाक सिद्धि के लिए इसकी दातून करने और माला धारण करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। भूख बंद करने की भी यह अचूक दवा है। इसके चावल की खीर खाने से भूख लगना बंद हो जाती है और यह एक प्रामाणिक प्रयोग है। इसके अलावा अपामर्ग की माला नियमित धारण करने से गुर्दे की पथरी, कोनी बवासीर, कुष्ठ, हैजा आदि में लाभ होता है। अपामार्ग की जड़ की माला भगवान शिव पर उसी तरह चढ़ाई जाती है जैसे मदार की माला, बेलपत्र और धतूरा। सावन के महीने में शिवलिंग पर गुप्त रूप से अपामार्ग की माला चढ़ाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्राचीन काल से प्रसव के समय इसकी जड़ की माला बांधने का विधान है। इसके बांधने से प्रसव पीड़ा समाप्त हो जाती है और प्रसव आसान हो जाता है। यह एक तांत्रिक वनस्पति है। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।